तो गाइस कैसे हो? आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यार डेवलपर की जॉब लेनी चाहिए या डेवॉप्स में आना चाहिए। तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे डेवलपमेंट में जाना चाहिए या डेवॉप्स इंजीनियर बनना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। टेस्टर की बात नहीं करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे, डेवलपर और डेवॉप्स इंजीनियर की। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आपको किसी पोजिशन में आना है तो वो डिसाइड होगा आपके इंटरेस्ट से। अगर आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में, सारा दिन मतलब कोडिंग कर सकते हो, कोड पढ़ सकते हो, सारा दिन मतलब कोडिंग में ही घिरे रहना चाहते हो, तो मैं कहूँगा डेवलपर के जॉब के लिए जाएं। बट अगर कोडिंग में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, कोड समझ नहीं आता, लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाते हो, तो फिर मैं कहूँगा कि डेवॉप्स के लिए जाओ। क्योंकि डेवॉप्स में क्या है, कोडिंग का ज़्यादा नहीं रहता है, आपका मेन ऑपरेशन का रहता है। क्योंकि मतलब डेवलपर का काम ही होता है कोडिंग करना, डेवॉप्स में रहता है ऑपरेशन का, मॉनिटरिंग का, लॉगिंग का, पाइपलाइन बनाना, तो ये सब काम रहता है। तो डेवॉप्स में ये भी होता है, अलग अलग टूल्स पे काम करने को मिलता है, तो बोरियत बिल्कुल भी नहीं होती। और डेवलपर में, डेवलपमेंट में होता है कि आप कोडिंग ही कोडिंग करनी है सारा दिन, तो ये डिफरेंस होता है। तो जिसको मतलब कोडिंग पसंद नहीं है, तो मैं कहूँगा डेवलपमेंट में बिल्कुल मत जाओ, कर नहीं पाओगे, मजा नहीं आएगा, लॉजिक वॉजिक बिल्ड नहीं हो पाएगा, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो उसके लिए आप आ सकते हो डेवॉप्स में, ठीक है। और अब बात करते हैं, ये तो हो गया इंटरेस्ट वाली बात, अब बात करते हैं सैलरीज की बात, कि डेवॉप्स की सैलरी ज्यादा है या डेवलपर की सैलरी ज्यादा है। तो यार सबसे पहले यार सैलरी का जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है आप लोगों पे, कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, स्किल्स आपकी कितनी अच्छी हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, टेक्निकली कितना साउंड हो अपने फील्ड में। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि डेवलपर ही ज्यादा कमाता है या डेवॉप्स ही ज्यादा कमाता है, वो बंदे टू बंदा डिपेंड करता है, ठीक है। फिर भी चलो हम मान लेते हैं दो बंदे हैं, दोनों टेक्निकली स्किल्ड हैं, अपने अपने डोमेन में अच्छी तरह स्किल्ड हैं, डेवॉप्स में भी एक बंदा स्किल्ड है और डेवलपमेंट में भी स्किल्ड है, तो फिर किसकी ज़्यादा सैलरी है? फिर उसका मैं कहूँगा वो सेकंड फैक्टर आ जाता है कि कंपनी कैसी है, कंपनी कौन कौन सी कंपनी में है, कितने टाइम से है, MNC है, स्टार्टअप है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सैलरी डिसाइड करने में। और वैसे भी सैलरी से उतना नहीं होता, मेन ये होता है आपका इंटरेस्ट किसमें। अगर आपका इंटरेस्ट डेवॉप्स में है और आप वही काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और सैलरी वैसे भी दोनों की मिलती जुलती रहती है, 4-1-2 लाख का आगे पीछे रहता है, मतलब डेवॉप्स इंजीनियर डेवलपर से कम नहीं है, बराबर ही है या फिर उससे ज्यादा ही है डेवॉप्स इंजीनियर डेवलपर से। तो बस यही शॉर्ट सी वीडियो बनाना चाहता था। अगर जो लोग कन्फ्यूज हैं कि किसमें जाना चाहिए एज अ फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस भी है, वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, आपको काफी हेल्प मिलेगी और क्लियर हो जाएगा। एंड कुछ भी आपके डाउट हो, अगेन आई एम सेइंग कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन करते रहना, देते रहना, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।